हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं पुल अपार्ट पाव, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें बनाना कैसे है। यहाँ हम एक बाउल में ऐड कर देंगे बटर। ये मैंने मेल्टेड बटर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक। ये मैंने गार्लिक लिया है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है, या आप बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिल्ली फ्लेक्स। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरिगैनो, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारा पुल अपार्ट ब्रेड के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है, गार्लिक मिक्सचर। यहाँ मैं इस बाउल में ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ टमाटर। साथ ही हम ऐड कर रहे हैं बारीक कटी हुई अनियन। अब इसी में हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। आप चाहें तो इसके अंदर स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़ी से हम इसमें ऐड कर देंगे चिल्ली फ्लेक्स। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये चीज़। इसमें मैं ये मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें प्रोसेस चीज़ या जो भी आपके पास हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। यहाँ मैंने लिए ये पाव। अब हम इनको कट कर लेंगे इस तरीके से। हमें इन्हें नीचे तक पूरा कट नहीं करना है, बस इस तरीके से इसमें कट मारने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें कट कर लेंगे। अपने सारे पाव में हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपने सारे पाव जो है इस तरीके से कट कर लिए हैं। ये अब हम इसमें लगा देंगे जो हमने ये गार्लिक अपना मिक्सचर बना के रखा था। पहले ये हम इसके अंदर अच्छे से लगा देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे अपनी वेजिटेबल्स। ये भी हम इसके अंदर अच्छे से फिल कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने सारे करके रख लेंगे तैयार। अब हम इस पर स्प्रेड कर देंगे ऊपर अपना यही गार्लिक मिक्सचर। इसको भी हम अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी चीज़। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ ही चाहिए तो आप ज़्यादा चीज़ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब हम इनको प्रीहीटेड ओवन में 200 डिग्री पर बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम इनको प्रीहीटेड ओवन में बेक करेंगे 200 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखिए, ये हमारे पुल अपार्ट पाव जो है बनके तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।